देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डुमरी थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने फिर कराया अपनी धमक का एहसास। विभिन्न स्थानों पर की पोस्टरबाजी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। परिसदन भवन में हुई प्राकलन समिति की बैठक, सम्मानित सदस्यगण हुए इस बैठक में शामिल। तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ की मंत्रणा, लिए आवश्यक निर्णय। अब भी चढ़ा हुआ है पारा, शिक्षकों का पारा। इस बार बाइक रैली निकालकर किया धरना प्रदर्शन, सरकार को सुनाई खरी खरी। इधर आंगनबाड़ी कर्मियों ने भी खोला जोरदार रूप से मोर्चा। और उसरी नदी बचाने को सामने आया नागरिक विकास मंच। अंबेडकर चौक पर दिया धरना, सरकार प्रशासन से इस नदी के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। पारसनाथ पर्वत की तराई वाले क्षेत्र में गुरुवार को फिर नक्सलियों ने पोस्टरबाजी कर अपनी धमक का एहसास करवाया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तमाम पोस्टरों को हटा दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पारसनाथ पहाड़ की तलहटी में बसे चिटाही टार में नक्सलियों ने ही पोस्टरबाजी कर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। यहां प्रधानमंत्री सड़क योजना के बोर्ड एवं आसपास के क्षेत्रों में भाकपा माओवादियों के नाम से पोस्टरबाजी की गई है। पोस्टर में गौ रक्षा नाम पर अल्पसंख्यकों की हत्या करने वाले होशियार हो जाओ, आदिवासी मूलवासियों को लूटने वाले होशियार हो जाओ, जन मुक्ति छापेमार सेना होशियार हो जाओ, जल जमीन जंगल की लड़ाई पर आक्रमण करने वाले होशियार हो जाओ आदि बातें लिखी हुई है। इलाके में हुई पोस्टरबाजी से ग्रामीणों में दहशत है। इस बाबत कोई भी ग्रामीण कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। वहीं पोस्टरबाजी को लेकर डुमरी SDPO नीरज कुमार सिंह ने कहा कि पोस्टरबाजी की जानकारी नहीं है, पता लगाया जा रहा है। हालांकि बाद में पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर सारे पोस्टर को हटाकर नष्ट कर दिया। नगर परिषद भवन में गुरुवार को प्रकलन समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। इस दौरान तमाम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। नया परिषदन भवन के सभागार में गुरुवार को प्राकलन समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्य सह विधायक जोगेश्वर महतो, अनंत ओझा, राज सिन्हा तथा स्थानीय विधायक निर्भय शहवादी उपस्थित हुए। वहीं मौके पर DDC मुकुंद दास के अलावा विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान समिति सदस्यों ने जिले में चल रही तमाम विकास योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही योजनाओं की गुणवत्ता की भी जानकारी ली। बताया गया कि सभी योजनाओं की स्थिति पर नजर बनाई जा रही है, साथ ही विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। उसका कहां से लाए? सैंक्शन कितना कितना है आप लोग? कितना है ग्रिड? यहां चार ग्रिड, चार ग्रिड कहीं पर है, उसका सही है। यहां ऐसे आधा दूरा पर कलर कलर वाली सब 220/132 का है, 3/132/2 ये हटा रहे हैं। पिछले तीन वर्ष का 2016-17, 18-19 की जो योजनाएं चल रही है, क्योंकि ये तीन वर्ष हम लोग इसलिए जनरल लेते हैं कि बहुत सारी योजनाएं अढ़ाई साल की, तीन साल की, दो साल की एग्रीमेंट पर होता है। तो जो योजना हमने 17 में शुरू किया, आज के दिन में पूरा होना चाहिए, हुआ कि नहीं, विलम्ब हुआ तो उसका टेक्निकल कारण यदि नहीं है तो संवेदक पर क्या कार्रवाई हुआ, इंजीनियर दोषी है कि वो दोषी है कि विभाग दोषी है, ये सारी बातें देखी जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा है कि प्रगति रिपोर्ट एज ए होल यदि कहा जाए तो गिरिडीह का प्रगति रिपोर्ट सभी विभाग का लगभग ठीक है। कहीं कहीं त्रुटियाँ हैं कुछ, क्योंकि ये क्षेत्र आप सबको भी पता है कि ये क्षेत्र कुछ एरिया जो है उग्रवाद प्रभावित एरिया है, जिसके कारण से बहुत सारी योजनाएं समय पर उतरने में काफ़ी कठिनाई हो रहा है, हुआ है। उसके बाद में बहुत जो योजनाएं हैं, जैसे पथ का योजना है, बिल्डिंग का योजना है, इन सब योजनाओं में जमीन अधिग्रहण का भी मांग। पारा शिक्षकों का पारा अब भी चढ़ा हुआ है। गुरुवार को तमाम पारा शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में शहर में एक रैली निकाली और जोरदार ढंग से सरकार विरोधी नारे लगाए।
पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों ने गुरुवार को शहर में विशाल रैली निकाली और जोरदार रूप से धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाकपा माले ने भी पारा शिक्षकों को अपना पूरा समर्थन दिया। भाकपा माले के बैनर तले निकाली गई यह रैली झंडा मैदान से शुरू होकर टावर चौक, कालीवाड़ी, मकतपुर, कचहरी चौक होते हुए पुनः टावर चौक पहुंची और एक सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान विधायक के आवास का भी घेराव किया गया। मौके पर भाकपा माले के विधायक राजकुमार यादव, पूर्व विधायक विनोद सिंह, वरिष्ठ नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, मंजूर आलम, शिल्पा देवी, कुसुम देवी सहित सैकड़ों की संख्या में पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सदस्यगण मौजूद रहे। मौके पर तमाम लोगों ने रघुवर सरकार की नीतियों की कड़े शब्दों में आलोचना की। सरकार आज से 4 साल पहले आई थी, लोगों को उम्मीदों और सपने जगा करके आई थी और जिन सपनों को, जिन उम्मीदों को, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं के अधिकार की बात हो, चाहे अच्छे दिन की बात हो, लोगों ने देखा कि अब सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वो चाहे आम किसान हो, चाहे पारा शिक्षक हो, लोग सहिया हो, रोजगार सेवक हो, इनके अच्छे दिन तो नहीं आए। इनके दिन यही आए कि रसोइयों को मुख्यमंत्री आवास के सामने रात को लाठियों से पीटा जाता है, पारा शिक्षक आज जेल में है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है समान काम के लिए समान वेतन दो, तो सरकार कह रही है कि हम नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आज पूरे राज्य में रघुवर भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश है और ये आक्रोश इस बात के लिए है कि राज्य के लोगों के लिए, राज्य के स्थानीय लोगों के लिए, न्यूनतम मजदूरी से कम जो लोग काम कर रहे हैं उन पे अगर नीति बनाने की बात हो, उनकी न्यूनतम मजदूरी की बात हो, जो 56 इंच की चौड़ी सरकार करने वाली, जो 1 रुपया मनरेगा की मजदूरी बढ़ाती है, तब इनके ऊपर लाठियां बरस रही है। इसलिए पूरा राज्य आंदोलनरत है और यह आंदोलन रघुवर सरकार की, भाजपा सरकार की, मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो बदलने में ही रहेगा, क्योंकि ये सरकार इनके लिए नीतियां बनाने में कहीं संजीदा नहीं है। इसलिए आज पूरा राज्य जो है वो सड़कों में अलग अलग लोग दिख रहे हैं। पचम्बा सामुदायिक भवन में गुरुवार को नगर निगम की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच चेक का वितरण किया गया। मौके पर मेयर, डिप्टी मेयर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। महिला सशक्तिकरण के दिशा में गिरिडीह नगर निगम ने प्रयास तेज कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को पचम्बा क्षेत्र के सामुदायिक भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 के अंतर्गत काम करने वाले स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सहायता राशि प्रदान की गई। मौके पर बतौर अतिथि मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ उपस्थित हुए। वहीं मौके पर वार्ड पार्षद पूनम देवी, वार्ड पार्षद सदानंद वर्मा, समाज सेवी अनिल राम, पूर्व CRP नीतू देवी व गंधारी देवी समेत कई खास आम यहां मौजूद रहे। इस दौरान चारों वार्डो में संचालित विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 10,000 रुपए का चेक वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। बताया गया कि नारी सशक्तिकरण के दिशा में नगर निगम लगातार प्रयत्नशील है और इसी कड़ी में SAG ग्रुप की महिलाओं को चेक दिया गया है। और आप महिलाएं बेहतरीन उदाहरण में पचम्बा क्षेत्र में वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 के अंतर्गत यहाँ के सभी जो यहाँ के वार्ड पर्षद प्रतिनिधि हैं, अनिल गुप्ता जी और सदानंद वर्मा जी के साथ साथ जो काम को अंजाम पहुँचाने में पूर्व CRP रही, के तहत 10,000 रुपये की राशि प्रत्येक समूह को दिया गया। जो उत्कृष्ट काम किए, जो 5 सूत्र का पालन किए, जो उसे लोगों को दिया गया,
किलो श्वेता समूह का जो काम है कि भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएँ कि क्या क्या चल रही है उसे आम लोगों को अवगत कराना और कैसे कैसे ये योजना को लाया जाएगा, क्या है, कैसे इसको मिलेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में किनको मिला है और किनको मिलने लायक है, कैसे जगह पर जाकर के ये लोग सर्वे करके अपना देखेंगे और स्वयं सहायता समूह के तो माध्यम से यहाँ पर बताने से मैंने उनके जो सिटी मैनेजर हैं उनको बताएंगे और उसके बाद वैसे लोग छोटे लोगों को प्रधानमंत्री आवास हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, श्रमिक कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया। स्वयं सहायता समूह का जो गठन किया गया है उनकी सारी माताएँ बहनें यहाँ हैं और उन लोगों को जो अच्छा काम कर रही है, जो पंच सूत्र का पालन कर रही है, वैसे ग्रुप को आज इस मिशन के तहत 10,000 रुपये का चेक दिया गया और यह जो 10,000 रुपये का जो चेक दिया गया उसका उपयोग वो ठीक ठाक करें, आपस में लेन देन करें और हमारा स्वयं सहायता समूह कैसे मजबूत हो। वार्ड नंबर 8 यानी शहर के भंडारी देवी बूढ़ वार्ड को वार्ड पार्षद ने सैकड़ों लाभुकों के बीच आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड का वितरण किया। गोल्डन कार्ड पाकर स्थानीय लोग बेहद खुश नजर आए। निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में गुरुवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड का वितरण वार्ड पार्षद ओबेदुल्लाह बाबू के सहयोग से किया गया। बताया गया कि वार्ड नंबर 8 में कुल 906 लाभुकों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया गया। कार्ड पाकर लोग खुश नजर आ रहे थे। लोगों ने इस मौके पर बताया कि वार्ड पार्षद के द्वारा इन लोगों को हर तरह से मदद की जाती है और जितनी भी सरकारी योजना का लाभ मिलना है वो वार्ड पार्षद इन लोगों को दिलवाने का भरसक प्रयास करते हैं। इसके लिए तमाम लोगों ने वार्ड पार्षद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वहीं पार्षद ने कहा कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने वार्ड के लोगों के हर सुख दुख में शामिल रहूं। मुझ पर मेरे वार्ड के लोग भरोसा करते हैं, मैं उनके भरोसे में खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और सरकार के जितनी भी योजना इनके हित में है वो मैं दिलाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। ला जी आयुष्मान कार्ड आज बांट रहे हैं, जो गवर्नमेंट का गोल्डन योजना है उसके लिए जो है गरीबों को फायदा हो इसके लिए आज उनको बांटा जा रहा है। आयुष्मान भारत के तहत जो गोल्डन कार्ड का बनाया गया है गरीबों के लिए उसका लाभ उसको कार्डधारियों को मिले और वार्ड नंबर 8 में 906 लाभुकों को दिया गया है जो आज हम कैंप लगा के बांटने का कार्य कर रहे हैं। इसे पूरा लाभ दिलवाने का पूरा प्रयास रहेगा। सरकार से भी उम्मीद है कि पूरा दिया जाए। जिला कांग्रेस की ओर से गुरुवार को कांग्रेस भवन में एक कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर गांडी क्षेत्र के कई दर्जन युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। मौके पर माहौल उत्साह से भरा रहा। जिला कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा कर रहे थे। मौके पर प्रदेश कांग्रेस से आए हुए रणविजय सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। इन्होंने यहां जनसंपर्क कार्यक्रम का अवलोकन किया और कईयों को अहम जिम्मेवारियां सौंपी। बताया गया कि जनसंपर्क के माध्यम से जिला से लेकर प्रखंड एवं बूथ तक लोगों को जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। रथ यात्रा के माध्यम से लोगों तक जाया जाएगा और प्रोजेक्ट शक्ति एवं जनसंपर्क परियोजना को सफल बनाया जाएगा। इस मौके पर गांडी विधानसभा के मोहम्मद शहादत अंसारी एवं छोटू अपने पूरे दलबल के साथ कांग्रेस का दामन थामा और ग्रेडी कांग्रेस परिवार ने पूरे गर्मजोशी के साथ सभी का स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व सांसद सरफराज अहमद, वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिन्हा, जमुआ विधानसभा प्रभारी सतीश केडिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सह ग्रेडी जिला विधानसभा प्रभारी समीर राज चौधरी, ग्रेडी प्रदेश विधानसभा प्रभारी सुधांशु शेखर झा, डॉक्टर मंजू कुमारी, शबन खान के साथ सभी वरिष्ठ कांग्रेसी, सभी प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष आदि उपस्थित थे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
आ गया छोटो। बैठिए सर, बैठिए बैठिए, इसको बैठाओ ना। अरे पाना मामा आया, इधर नहीं, इधर खड़ा हो जाइए, हम सामने से किसी को खींच लेगा। आज गिरिडीह जिले में जनसंपर्क अभियान के शुरुआत करने आए हैं। मैं प्रभारी के नाते यहाँ पे इस कार्यक्रम में आया हूँ और साथ में नरेंद्र जी जो कोऑर्डिनेटर हैं। और निश्चित तौर पर ये जो जनसंपर्क अभियान, जो डोर टू डोर लोगों से जो संवाद करके लोगों को जो ना, ताकि कहीं ना कहीं अभी देखने को मिला है कि क्षेत्रीय दल जो भी हैं, आज इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं लोगों में एक भ्रम की स्थिति फैल गई थी और ये लोगों में एक मैसेज जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है ये सिर्फ नेताओं की पार्टी हो गई है और इसमें वर्कर्स नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो मैसेज जो पूरे देश में जा रहा था, और ये एक अच्छी शुरुआत है, ये जनसंपर्क अभियान की जो शुरुआत है ये अच्छी शुरुआत है। इससे जो है हम लोग ग्रास लेवल पर जा करके, डोर टू डोर जा करके हम लोग एक एक लोग से मिल करके लोगों को पार्टी से जुड़ने का काम करेंगे। बात हो गई है जो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी ये कार्यक्रम है, जिसे हम गांव के एक जनता के बीच जाएंगे और उन्हें पार्टी का सदस्य बनाएंगे और सदस्य बना करके पार्टी से जुड़ने काम करेंगे और उसे एक सहयोग राशि भी उसे प्राप्त होगी। इससे हमारे संगठन मजबूत भी होगा और कांग्रेस को धारदार बनाने में कामयाब होगी। इसी को उद्देश्य आज बैठक बुलाई गई है और यह कार्यक्रम हम लोग अब प्रखंड स्तर पर, आज जिला में शुरू हो गई है, अब प्रखंड स्तर पर शुरू होगा, जहाँ सभी लोग हम लोग एक टीम बना के जाएंगे और वहाँ कैंपेन करके फिर हम गांव की ओर जाएंगे और गांव में जाकर के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। आज यही मुख्य कार्यक्रम है, इसके लिए यहाँ पे सारे लोगों को बुलाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मियों ने भी बुधवार को शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारी महासंघ भी इनके समर्थन में सड़कों पर नजर आया। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में गुरुवार को आंगनवाड़ी कर्मियों ने जोरदार आंदोलन छेड़ा। इस दौरान विधायक आवास घेराव के लिए पहुंची आंगनवाड़ी की महिला कर्मियों को पारा शिक्षकों के आंदोलन की वजह से जब प्रदर्शन के लिए जगह नहीं मिली तो महिला कर्मियों ने भी जगह बनाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मौके पर आंगनवाड़ी महिला कर्मियों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी महासंघ नेता अशोक सिंह के मौजूदगी में समाज कल्याण आबा कर्मचारी संघ की गिरिडीह अध्यक्ष देवंती देवी समेत कई महिला कर्मियों ने मौके पर रघुवर सरकार व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान देवंती देवी ने रघुवर सरकार व मंत्री लुईस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब वक्त आ चुका है कि आबा कर्मियों को अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर कर ही आंदोलन करना होगा। कहा कि रघुवर सरकार व मंत्री लुईस ने आबा कर्मियों की मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। प्रदर्शन के दौरान आबा कर्मियों ने संघ की मांग गिनाते हुए कहा कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं को सामान्य सेविकाओं की तुलना में वेतन देना, आबा की सेविका और सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 करने, सेविका सहायिका के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन, ड्यूटी के दौरान मृत्यु के बाद आबा कर्मियों के एक परिजन को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने समेत अन्य मांगे शामिल है। इन मांगों के समर्थन में ही आबा कर्मियों का आंदोलन राज्य स्तर पर किया जा रहा है। इधर प्रदर्शन के दौरान नमिता वर्णवाल, अंजू देवी, आरती माथुर, रीना सिंह, रीता सिंह, आरती कुमारी, सुषमा कुमारी, पूजा पांडे, कौशल्या गोप, प्रेमलता वर्मा, रेखा साहू, सुमित्रा देवी समेत कई आबा कर्मी मौजूद थी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार
कर्मचारी संघ की ओर से अपनी 500 की मांगों को पूरा करने के लिए माननीय विधायक के गृह विधानसभा क्षेत्र के श्री निर्भय सवादी जी को हमारी मांग के नजदीक पहुँच कर आंगनबाड़ी से विकास आय का पोषण सखी धरना पर बैठेगी और मांग करेगी कि हमारी मांग को पूरा करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल झारखंड सरकार से करे, मुख्यमंत्री से करे। पिछले दिनों तीसरी थाना क्षेत्र में दो समुदाय के बीच में झड़प के गुनाहगार अब भी छुट्टा घूम रहे हैं। घटना में एक पक्ष के दो लोग घायल हुए थे जिनका इलाज फिलहाल रांची में चल रहा है, लेकिन एफआईआर होने के बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीती शुक्रवार को तिसरी थाना क्षेत्र के पालमो गांव में जमीन विवाद को लेकर दो समुदाय के लोगों में हिंसक झड़प हो गई थी। घटना में एक पक्ष के मंसूर अंसारी व तस्लीम अंसारी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। फिलहाल उनका इलाज रांची में चल रहा है। बताया गया कि हथियार से वार करने से मंसूर के माथा फट गया और तस्लीम के मुंह के होंठ फट गया व दांत टूट गया था। इस मामले को लेकर तिसरी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई, लेकिन तिसरी पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं करने से पीड़ित परिवार मायूस है। बताया गया कि आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। जाने के बाद में मैंने हम देखे कि मैंने उन लोग 7-8 आदमी मैंने इस पर वार कर दिया तलवार से, और तलवार से जब मारा तो मैंने वहाँ हल्ला हुआ कि ना हो फलना मार दल को तुर भाग के, तब तक हम लोग दौड़ कर प्रशासन के पुलिस लेकर जब गए तो उन लोग मारकर वहाँ घटनास्थल से, संतोष यादव है, खोसल यादव है, इन लोग बाकी सब बने भाग चुका था। चुका करके और बैठा था वहाँ पर, और हमको बेटा जा रहा रोड में बाजार से और मार दिया तलवार से और अथी से खूब ऐसा से फेंक करके और एकदम बेरुख हो गए। बचने के कम भरोसा है तो हम क्या करें, हम गरीब आदमी हैं सर। थाना वाला आते हैं थाना के पास में तो कोई नहीं सुनता है, ना कोई कर रहा है, और हम गरीब वाला आदमी, हमको पर कुछ नहीं है। ये लोग बाजार से मंसूर मियाँ, तस्लीम मियाँ, हम भी उसका साथ में थे, उन लोग का जब मार पीट होने लगा तो हमको तरह से भागे, उन लोग को मारने का मतलब पूरा मारने का प्लानिंग था, और आज तक अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं कर रहा है। स्थिति पूरा गंभीर रूप से है मैंने अभी मतलब पोलो में भर्ती अभी है। लगता है कोई चांस उन लोग का बचने का, लेकिन अभी तक पुलिस को जांच पड़ताल इसका नहीं कर रहा है। इसका मेरा नाम हकीम है, हकीम मियां। क्या तो वही हम कहना चाहते हैं कि आज तक अगर हम लोग ऐसा कांड किए रहते हैं क्या मजाक हो गया, लगता है कि घर से घिसड़ के पुलिस ले गया रहता, लेकिन आज वो लोग माले पार्टी है, माले पार्टी हो के उसका दबाव में हो के आज तक पुलिस मैंने कुछ भी नहीं करने लिए तैयार। कुछ एग्रीकल्चर एंड फूड सबमिट कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट गुरुवार को नगर भवन में किया गया था, लेकिन मौके पर मौजूद किसान प्रोग्राम को बीच में ही छोड़कर चलते बने। खराब मैनेजमेंट होना इसकी वजह बताया जा रहा है। खेलगांव रांची में चल रहे दो दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड सबमिट कार्यक्रम में गुरुवार को 16 देशों के किसान वैज्ञानिक शामिल हुए। इस कार्यक्रम में किसानों को कृषि की कई बारीकियां सिखाई गई। वहीं गिरिडीह से जो किसान रांची नहीं पहुंच सके उनके लिए नगर भवन में लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई थी, जिसे देखने के लिए जिले भर के कई किसान इकट्ठा हुए थे, लेकिन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एवं उनके सहयोगियों की मिसमैनेजमेंट की वजह से नगर भवन में उपस्थित आधे से ज्यादा किसान करीब 15 मिनट के अंदर ही चलते बने। बताया गया कि डीएओ की अनुपस्थिति में प्रोग्राम का जिम्मा बीडीएम एटीएम कोऑर्डिनेटर्स को दिया गया था, जिसकी लापरवाही की वजह से सारे मुहिम पर पानी फिर गया। जहां किसानों को इस प्रोग्राम से कृषि संबंधित ज्ञान प्राप्त करना था, वहीं वे सिर्फ नाश्ता का पैकेट प्राप्त कर अपने घर की ओर जाते दिखे। गिरिडीह के किसान इस लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम की गुणवत्ता से वंचित रह गए, जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। बहुत ही बड़े उद्देश्य के साथ हमारे किसानों को सशक्त बनाने की, उनके आय को दोगुनी करने की दिशा ये बढ़ता है। प्रकाश करने वाले आपके लोकप्रिय सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, मेरे सभी सम्मानीय मंत्रीगण, विभिन्न सम्मानीय जारी है जो हमारे
रांची में जो अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट यहाँ दिखाया जा रहा है, ताकि यहाँ किसान को जो वहाँ पर नहीं जा सके उनको वो डायरेक्ट लाइव दिखाया इसलिए जा रहा है, ताकि वो वहाँ जो बातें बताए वो सीख सके। नागरिक विकास मंच द्वारा गुरुवार को अम्बेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। बताया गया कि उसरी नदी बचाने को लेकर मंच द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। उसरी नदी संरक्षण को लेकर नागरिक विकास मंच द्वारा गुरुवार को अम्बेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। मौके पर मंच के अध्यक्ष गोविंद सिंह, संयोजक सह सचिव विनय सिंह, लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राज, धरनीधर प्रसाद, रतन वर्णवाल, सरयू राम, जवाहर केसरी, बलराम यादव, विनोद सिंह, ललन सिंह, सरयू गोप, यदुनंदन पाठक, वासुदेव विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। बताया गया कि उसरी नदी को बचाने के लिए नागरिक विकास मंच लगातार प्रयासरत रहा है। इसी क्रम में अभियान के तहत 6 सूत्री मांगों को लेकर यहां मंच के सभी सदस्य इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और शहर के कई प्रबुद्ध लोग भी इस अभियान में शामिल हुए हैं। वहीं मंच के अध्यक्ष ने उसरी नदी की उपेक्षा का दोष सांसद, विधायक व नगर निगम पर लगाया। साथ ही बताया गया कि उसरी नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए मंच द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए वे झारखंड के मुख्यमंत्री को इस समस्या से अवगत कराकर मदद की अपील भी करेंगे। गिरिडीह नगर के जीवन रेखा, लाइफ लाइन कहे जाने वाली उसरी नदी के खत्म हो रहे अस्तित्व को देखते हुए नागरिक विकास मंच गिरिडीह द्वारा मई 2018 में अर्घा घाट पुल के पास उसरी महोत्सव गंगा दशहरा का दिन करते हुए संकल्प लिया था कि उसरी के अस्तित्व को बचाया जाएगा। इस क्रम में नागरिक विकास मंच द्वारा 5 सूत्री मांग को लेकर के नगर निगम तथा जिला प्रशासन के नगर आयुक्त, महापौर, उप महापौर, उपायुक्त गिरिडीह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी सबको मांग से संबंधित ज्ञापन दिया और कई बार वार्ता किया गया। इस संबंध में आज तक कोई सकारात्मक पहल उनके द्वारा नहीं की गई और साथ ही यहाँ के माननीय विधायक और माननीय सांसद के द्वारा भी कोई सकारात्मक पहल नहीं किए जाने के कारण आज नागरिक विकास मंच को विवश होकर करके यहाँ पर अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना के माध्यम से नगर निगम तथा जिला प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है कि इस पर अविलंब इसका DPR बना कर करके। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डुमरी थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने फिर कराया अपनी धमक का एहसास। विभिन्न स्थानों पर की पोस्टरबाजी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। परिसदन भवन में हुई प्राकलन समिति की बैठक, सम्मानित सदस्यगण हुए इस बैठक में शामिल। तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ की मंत्रणा, लिए आवश्यक निर्णय। अब भी चढ़ा हुआ है पारा शिक्षकों का पारा। इस बार बाइक रैली निकालकर किया धरना प्रदर्शन, सरकार को सुनाई खरी खरी। इधर आंगनबाड़ी कर्मियों ने भी खोला जोरदार रूप से मोर्चा। और उसरी नदी बचाने को सामने आया नागरिक विकास मंच। अंबेडकर चौक पर दिया धरना, सरकार प्रशासन से इस नदी के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर लगाई गुहार। तो ये था हमारा आज का अंक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।